कोई मेरे से सवाल करे कि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, मुझे प्रधानमंत्री बनना नहीं है, चुनाव लड़ना नहीं है, पर एक आम आदमी की हैसियत से कोई मुझसे पूछे कि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, मैं प्रधानमंत्री होता तो केवल तीन काम करता, सिर्फ तीन काम। पहला काम, मैं भारत देश की शिक्षा को एक कर देता, चाहे उत्तर प्रदेश में पढ़ो, चाहे यूपी में पढ़ो, सॉरी चाहे बिहार में पढ़ो, चाहे गुजरात में पढ़ो, चाहे राजस्थान में, चाहे पंजाब में, एक देश एक शिक्षा। नेता का बेटा भी वहीं पढ़ेगा और मजदूर का बेटा भी वहीं पढ़ेगा, ये शिक्षा। ये प्रधानमंत्री मैं होता तो मैं पहले देश की शिक्षा को एक करता। दूसरा, मैं सारे हॉस्पिटलों को तंदुरुस्त करूंगा पहले तो, कि पूरे देश में कोई बीमारी से ना मरे, हर क्षेत्र में हर जिला में ऑक्सीजन बनने की सुविधा हो, हमें ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर से ना करनी पड़े, हम ऑक्सीजन खुद बनाएंगे, हम देश में खुद जो जरूरत है आवश्यकता है। और आपको बता दूं भैया, दुनिया में सबसे ज्यादा दवाई भारत में बनती है, सबसे ज्यादा टीका भारत में बनते हैं, यहां तक कि पोलियो का टीका भारत में बना, वर्तमान में कोरोना का टीका भारत में। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, हम मुंह नहीं ताकते कि भैया तुम कोरोना का टीका हमें दे दो, तुम चूल्हे में जाओ, हम खुद बना लेंगे। भारत टैलेंटेड व्यक्ति है, भारत के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, हमने सारी दवाइयां बनाई। आज पहले वो होती थी ना, दाग दाग हो जाते थे, उसका टीका लगता, आज बच्चों को जितने टीका लगते हैं उनमें 90% टीका भारतीय टीका है, वो सबसे सस्ते हैं और उपयोगी हैं। हम भारतीय लोग ना दवाई भी खूब बनाते हैं पर इलाज नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि नीतियां खराब हैं। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश की चिकित्सा को एक करता, सबके लिए दवाई फ्री, सबके लिए इलाज फ्री, बीमारी से कोई ना मरे, अपनी मौत से मरे तो मरे पर बीमारी से कोई ना मरे। तीसरा, यदि प्रधानमंत्री हम होते, आम पब्लिक से पूछा जाए कोई कि आप होते प्रधानमंत्री तो क्या करते, मेरा तीसरा काम, नदियों को नदियों से जोड़ना। यदि आज नदियों को, बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ दिया जाए तो जितना पानी बह के समुद्र में जाके खारा हो जाता है, छोटी नदी सूखी पड़ी है, बड़ी नदी का पानी बहता जा रहा है, अरे बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ देने से और छोटी को और छोटी से जोड़ देने से और छोटी को और छोटी नदी से जोड़ देने से क्या होगा कि भारत में फसल ज़्यादा होगी। आज जहाँ पानी है वहाँ का किसान तो सुखी है, पर जहाँ पानी नहीं है वहाँ का किसान आत्महत्या कर लेता है पानी ना होने के कारण। इसलिए यदि नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो लाखों किसानों का फायदा होगा, और जो पानी का लेवल नीचे चला गया, पानी का स्तर, वह पानी ऊपर आ जाएगा और पानी की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और देश को पानी मिल जाएगा। आज हमारे भारत में बहुत सारे जिला ऐसे हैं जिसमें चेन्नई का नाम सबसे आगे है कि वो सूख गई है, 2000 फीट नीचे भी पानी नहीं है। कल को आपके शहर की बारी है जहां खोदने से पानी नहीं होगा, कल आपके पास पैसा बहुत होगा मेरी माँ, पानी नहीं होगा। आज 20 रुपए लीटर पानी बिकता है और अच्छा पानी 50 रुपए लीटर बिकता है, वो दिन दूर नहीं जब 1000 रुपए लीटर पानी बिकेगा। यदि आज नहीं जागे, नदियों को नदियों से नहीं जोड़ा, पानी नहीं बचाया, तालाबों का संरक्षण नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं जब 1000 रुपए लीटर तुम पानी पियोगे और तुम्हारी औलाद तुम्हें गाली देगी कि हमारे देश के हमारे माँ बाप ने क्या किया, पानी तक नहीं बचाया। आने वाला भारत प्यासा रहेगा यदि आज नहीं जागे तो। इस जल संरक्षण के साथ साथ वृक्षों का संरक्षण, जंगलों का संरक्षण जरूरी है, ताकि हमें, आप बताइए आपको बहुत पैसा चाहिए या शुद्ध हवा चाहिए, बोलो। कल को आपकी जान पर बन पड़ेगी तो पैसा काम नहीं आएगा। अभी कोरोना काल में सबके पैसे धरे के धरे रह गए, ऑक्सीजन भी नहीं मिली। ये पैसा सब कुछ नहीं है मेरी माँ, जिंदगी सब कुछ है, हवा सब कुछ है। इसलिए भारतीयों को शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, और शुद्ध हवा तब मिलेगी जब जंगलों का संरक्षण होगा, जंगल बचेंगे, वृक्ष लगाए जाएंगे। रोड के नाम पे करोड़ों वृक्ष काटे जाते हैं, बताओ लगाए कितने जाते हैं। जल में वृक्ष भी आ गए, प्रकृति, चिकित्सा और शिक्षा, पहले हमें इनमें काम करना चाहिए, जरूरत है इन चीजों की। बताओ आज देश को इन तीन मुद्दों की जरूरत है कि नहीं, तीन कामों की जरूरत है कि नहीं। पर कोई भी सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए इन तीन में से एक भी चीज ऐड नहीं करती, चाहिए ना कि ये चीजें हो, तब देश समृद्धवान बनेगा। आज इन्हीं चीजों पर तो अमेरिका ने काम किया है, तो आज वो संयुक्त राष्ट्र बन के बैठा। आज इन्हीं चीजों में तो जापान ने काम किया है, तो वह सबसे पावरफुल बन के बैठा है। चाइना हमसे आबादी में बड़ा है, लेकिन फिर भी वो इस काम पे लगा हुआ है, इसलिए आज बहुत पावरफुल ताकतवर बन के बैठा है। और हम दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं, किस बात पर, इसी बात पर कि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी शिक्षा पर, अपनी चिकित्सा पर, अपने देश पर। आज भारत में परिवारवाद है, परिवार, ये मेरा बेटा है तो यही
नेता बनेगा, यही देश चलाएगा। योग्य है तुम चूल्हे में जाओ, तुम योग्य हो तो हो, पर ये बेटा है हमारा इसलिए चलाएगा। भले भले वो बिल्कुल अनपढ़ है, भले उसको काखा गाखा का ज्ञान नहीं है, पर नेता है इसलिए क्या करोगे अब। चलो हम तो आपको भागवत सुनाए। ये तो देश की बातें हैं मैया, ये तो मेरी चिंता है कि मेरा देश समृद्धवान बने। मैं चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे हो, मैं चाहता हूं आपके घर भी कभी चूल्हा ना बुझे, मैं चाहता हूं कि आपके पास भी एक गाड़ी हो, मैं चाहता हूं कि भारत के मजदूर के पास भी कम से कम एक खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो, खुद के लिए बढ़िया पहनने के कपड़े हो, खुद शिक्षित हो। मैं ये चाहता हूं गरीब से गरीब आदमी शिक्षित हो। मेरा भारत तब समृद्धवान बनेगा जब 135 करोड़ लोग समृद्धवान बनेंगे। गरीबी बहुत देखी है माँ, बहुत गरीब है मेरा देश। आज भी लोगों के पास खाने को रोटियां नहीं है, कुछ लोगों के यहाँ कुत्ते बिस्किट खा रहे हैं और कुछ लोगों के यहाँ बच्चों को खाने को रोटियां नहीं है। बहुत दर्द आप लोगों में पता नहीं किस किस ने देखी गरीबी, मैंने बहुत नज़दीक से देखी है, मैं बहुत करीब से जानता हूँ गरीबी का दर्द क्या होता है। इसलिए मुझे चिंता रहती है कि कब मेरा देश सबके घर में कब गाड़ी होगी, सबके घर में कब खुद का घर होगा, सबके घर की खुद की छाया, खुद का सब कुछ होगा, सब सुखी हो, समृद्धवान, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें।